हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी स्टाइल लता ऑल इन वन। मैं आज बना रही हूँ पनीर फ्रैंकी। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये पनीर फ्रैंकी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए पनीर फ्रैंकी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बोल में मैंने मैदा ले लिया है। मैदा मैंने 250 ग्राम लिया है। ऑयल डालूँगी 1 टेबल स्पून, सॉल्ट डालूंगी 1/4 टीस्पून। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें पानी डाल के मैदा गूंद लूंगी। तो रोटी के डो जैसा होता है वैसे ही नॉर्मल डो मैं गूंदूंगी। मैदा गूंद के हो गया है। 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। अब स्टफिंग के लिए देख लेते हैं। पनीर लिया है मैंने 100 ग्राम, ऑनियन लिया है 1/3 कप, कॉर्नफ्लावर पाउडर लिया है 1 टीस्पून, मैदा लिया है 1 टीस्पून, टोमेटो सॉस लिया है 1 टेबल स्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, ग्रीन चिल्ली 4-5, डार्क सोया सॉस 1/4 टीस्पून और सेजवान चटनी और एग ले लिया है 3। अब पनीर मैरिनेट कर लेंगे। सॉल्ट डाला है मैंने, डार्क सोया सॉस डालूंगी। कॉर्नफ्लावर डाल दूंगी, मैदा डाल दूंगी, रेड चिल्ली पाउडर डालूंगी। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स हो गया है। अब फ्राई कर लूंगी। फ्राई हो गया है। अब मैं ऑयल से निकाल लूंगी। अब एक बोल में पनीर फ्राई डालूंगी, ऑनियन डाल दूंगी, ग्रीन चिली डालूंगी, सेजवान चटनी डाल दूंगी, टोमेटो सॉस डाल दूंगी 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स हो गया है, टेस्ट हो गया है। पेड़े बना लूंगी। मैं रोटी के जैसा बेल लूंगी। नॉर्मल जो गोल पराठा होता है मैं वैसे टाइप का ही बनाऊंगी, बट इसमें ऑयल कम लगाऊंगी। अब मैं और एक रोटी बना रही हूँ। इसको भी मैं कम ऑयल में पराठा बना लूंगी। सिर्फ नमक डाल के मैं ऑमलेट फ्राई करूंगी और इसके ऊपर रोटी डाल दूंगी। जो पराठा मैंने बनाया था वो डाल दूंगी। एक हल्का कच्चा रहे तभी पराठा डाल देना चाहिए, नहीं तो एक पूरा पकने के बाद अगर आप पराठा डालेंगे तो पराठा और एक चिपकेगा नहीं एक दूसरे के साथ। पलट के भी मैं पका लूंगी। मैं और एक फ्राई कर लूंगी।
एक पराठा हो गया है, अब मैं स्टफिंग कर लूँगी। जो पनीर मैंने मिक्स करके रखा है वो कॉर्नर में मैं एक लाइन में कर लूँगी। अब मैं पराठे को रोल कर लूँगी। रोल हो गया है, मैं और एक बना रही हूँ। वेजिटेरियन लोग बिना एक के भी बना सकते हैं, बस एक मर डालना, बाकी प्रोसेस सेम है। तो पनीर फ्रैंकी बनके तैयार है। पनीर फ्रैंकी की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए, तो मेरा जो भी अपकमिंग वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।